कुछ दिया मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है अंधेरे में ज्ञान के दीपक जलाए राहों से मेरी कांटे हटाए राहों से मेरी कांटे हटाए जीवन में मेरे उजाला किया है जीवन में मेरे उजाला किया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्मा रूपा गुरुनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत असीम आस्था के साथ मेरा प्रणम्य समर्पित हो धर्म प्रांगण में आए मेरे निज आत्मन राजा सेनापति साथ में पूरी सेना तैयारी पूरी करके युद्ध की ओर जा रहे हैं। रास्ते में राजा ने सेनापति को कहा देखो युद्ध करने तो जा रहे हैं परंतु जो विरोधी राजा हैं वो बहुत ताकतवर है उसके पास हथियार भी बहुत ज्यादा है गिनती में सेना भी उसकी ज्यादा है और सेना भी जो है वो बहुत कुशल योद्धा है जुंझारू योद्धा है। सेनापति ने कहा दिल छोटा ना करो इस समय तो अपने युद्ध की ओर जा रहे हो हौसला बना करके जाना चाहिए। नहीं हौसला तो रख रहा हूँ परंतु सामने परिस्थितियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं। सेनापति ने कहा रास्ते में एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि महात्मा हैं चलो उनका आशीर्वाद लेते हैं। अरे युद्ध करने जा रहा है और उनका आशीर्वाद क्या करना वहाँ तो लड़ाई करनी है ना लड़ाई चाहिए। नहीं संतों का आशीर्वाद कई बार ऊर्जा बदल देता है चलो तू कहता तो चलते हैं। एक झोंपड़ी में महात्मा बैठे हुए थे ध्यान लगाया हुआ था जब वो पहुंचे सेना बाहर खड़ी थी सेनापति और राजा अंदर गए महात्मा ने आंखें खोली क्या आंखों में तेज चेहरा एकदम ओजस्वी एकदम प्रभावित हो गया राजा बोलो कैसे आए आशीर्वाद चाहिए विजय का किसका आशीर्वाद कभी हार का नहीं कोई मांगता हार का कभी किसी ने मांगा कभी हार का किसी ने आशीर्वाद मांगा परंतु हार गले में जरूर डलवाते हैं ना और जिसके गले में जीत हो उसके गले में हार क्यों और जिसके गले में हार ना डालो कोई आ गया तुम्हारा बड़ा आदमी और आपने उसके गले में हार नहीं डाला
तो क्या हो जाएगा? वो नाराज, अरे हार डलवाने के लिए उत्सुक रहते हैं और जीत पाने के लिए प्रयास करते हैं। जिसके गले में विचारों की जीत है उसके गले में हार कैसा? प्रधान तो वो पहले ही बन गया, उसको हार की क्या जरूरत है? परंतु फिर भी हार, तो वो जब योगी ने संत ने सुना, वो कहता अच्छा तुम्हें एक घंटा बैठना पड़ेगा, मैं भी अपने अपने से मिल लूं। किससे मिलना है? मेरा भी अपना है कोई, उससे मुझे मिलना है, तुम्हें एक घंटा बैठना पड़ेगा, मिल लो। ध्यान में बैठ गया, एक घंटे के ध्यान में मस्ती आई, समाधान मिला, राजा के पास आया, एक सिक्का लिया। कहता देख राजा, ये सिक्का उछालना है, इसके एक तरफ किंग बना हुआ है और एक तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर तुम्हारा किंग आ गया, टॉस करेंगे हम, तो समझो तुम जीत गए। किंग आ गया तो तुम जीत गए। और जिस समय टॉस होता है, बराबर की क्या हो जाती हैं, दो टीम खड़ी होती हैं और दोनों जीती हुई होती हैं, तो एक को तो जीतना होता है, टॉस करना होता है, तो क्या स्थिति होती है उस समय? धड़कने बढ़ जाती हैं, एकदम ये होता है पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब वो सिक्का उछाला महात्मा ने और क्या आ गया? किंग आ गया, एकदम तलवारें उछल गई, हम क्या है जीत गए, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, और वो चारों तरफ जय जयकारा हो गया, महाराज को वंदना की, महाराज अब तो हमारी जीत निश्चित है, ये हम क्या हो गया, हमारी तरफ किंग आ गया। पूरे उत्साह से सेना भरी हुई, राजा जोश से भर गया, अरे क्या है अब तो कोई कमी नहीं रहेगी, हमने जीतना है, पूरी विश्वास पूरे विश्वास पूरी आशा के साथ आगे बढ़ गए। वहाँ पर युद्ध में खूब लड़े खूब लड़े खूब लड़े और इतना लड़े कि वो जीत भी गए। अब जीत गए तो सेनापति ने कहा राजन महात्मा का शुक्रिया तो अदा करते जाओ। हाँ जरूर जाऊँगा, जो पहले कहता था युद्ध में ये ऋषि क्या करेगा, उसका आशीर्वाद क्या करेगा, अब कहता नहीं जाना है। अब वो वापस वहीं पे आए और एकदम क्या है खुशी से झूमते नाचते गाते जयकारे लगाते हुए, महाराज चमत्कार हो गया, आपके सिक्के ने चमत्कार कर दिया, आपने चमत्कार कर दिया। अरे मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, क्यों आपका ही तो आशीर्वाद था। अरे सिक्के ने चमत्कार भी नहीं किया, क्या सिक्का लेकर के आए, देखो सिक्के के दोनों तरफ किंग बना हुआ है, सिक्के के दोनों तरफ ही किंग बना हुआ है, मैंने तो आपकी सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए, मुझे जो मेरे मित्र ने मुझे समाधान दिया था, मैं अपने मित्र से मिलने गया था, यानी ध्यान में अपने प्रभु को याद किया, कोई ना कोई तो समाधान मिल गया, तो मैंने तो तुम्हारी सोई हुई शक्ति को क्या किया है, जागृत किया है। पानी के ऊपर काई आई होती है, निगोद आई होती है, तो वो पानी कैसा लगता है देखने में? गंदला पानी, गंदा पानी नज़र आता है, परंतु काई हट जाए तो पानी निर्मल होता है। तो राजन तुम्हारे अंदर शक्ति तो थी, परंतु विरोधी सेना के सामने तुम अपने आप को हताश बनाए हुए थे कि वो बहुत बलवान है वो बहुत है, परंतु तुम्हारी सोई हुई शक्ति, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति थी, उस शक्ति को मैंने क्या किया है, केवल जगाया है। सबके अंदर बहुत शक्ति है, अखरा सा अनंत बागो निचु गाड़ियो, नंदी सूत्र में कहा गया है कि हर आत्मा में ज्ञान है, एक गंदी नाली की जो कीड़ा है ना उसमें भी ज्ञान है, आत्मा में सब उसके अंदर भी वही आत्मा है, परंतु अक्षर का अनंतवां भाग भी क्या है जिसके अंदर ज्ञान का है, समझो वो क्या है, उसके अंदर ज्योति है, वो जाग जग सकती है, वो क्या है निचू घाड़ियों, उसको हमने पहले ढका हुआ है, वो क्या है कर्मों के आवरण से या हमारी
भावनाओं से वो दबा हुआ है ज्ञान, उसे उघाड़ना है, हमने उसे अनावृत करना है, हिलाना है, उस काई को हिलाना है। तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा तो थी राजन, परंतु तुमने उस ऊर्जा को क्या है, ढका हुआ था। तो उस सिक्के के उछलने से तुम्हारे वो शक्ति पैदा हो गई। आपके अंदर भी, सबके अंदर ज्ञान है, सबके अंदर ऊर्जा है, तपस्या करने की सब में शक्ति है, परंतु किसके अधीन होकर के हम कह देते हैं नहीं मेरे में शक्ति नहीं है, महाराज मेरे तो सिर दुखने लग जाता है। अरे सिर किसका नहीं दुखता, जब हम विकृत आसन यानी भोजन सही ढंग से नहीं करते तो वो हमारे अंदर पेट में गैस पैदा करता है और गैस सिर में चढ़ जाती है, यही क्या होता है, सिर दर्द होता है। आज शाम को थोड़ी सी काली मिर्च का प्रयोग कर लेना और सुबह क्या है, सारी गैस वैस निकल जाएगी और तुम उपवास करना कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बड़े बड़े जैसे बड़े संतों महाराजाओं के अनुभव होते हैं, उन्होंने नुस्खे दे दिए हैं। उधर तो साउथ में तो वो पुड़िया देते हैं एक दिन पहले, पता नहीं क्या क्या उसमें दवाइयाँ मिक्स की होती है, देसी दवाइयाँ, कि उससे अंदर पेट क्या हो जाता है, बिल्कुल गैस वैस नहीं बनती। तो लोग उधर उठाइयाँ, पूछो ही ना कितनी टाइम। वैसे इधर भी कोई हमारी कमी नहीं है, हमने सिरसा में चमासा किया था 228 पाँच मास का मन, आगरा में 2-3 अठाइयाँ होती थी जब हमने चमासा किया, तो वहाँ पे अठाइयाँ जिस दिन से चमासा शुरू हुआ उस दिन से लेकर के चमासे के एंड वाले दिन भी हम पारना करा के फिर विहार करें किया था हमने चमासे का। तो ये जागृति आनी चाहिए, कोई शरीर में कमी नहीं है। हाँ किसी के हार्ट की ट्रबल है या कोई और बीमारी ऐसी है जिसके कारण मुश्किल होता है। मेरे को डॉक्टरों ने कहा था शुगर के अंदर भूखे नहीं रहना 2 घंटे से ज़्यादा, तो मैं कह रात को तो हम वैसे भी नहीं खाते, तो दिन में क्या है, एक बार खा ही लेना, तो गुरु कृपा से क्या हुआ, क्या हुआ, शुगर भी नॉर्मल हो रही है। कभी कभी मेरी शुगर में थोड़ा सा उल्टा फेर होता है, तो मैंने 5-7 एकाश्ते बीच में किए। आप रोज कहते इतने अमल हो गए, मुझे अंदर गलानी फील होती थी, मैंने 5-6 एकाश्ते बीच में किए, क्योंकि जब शुगर बिल्कुल 90 से नीचे जा रही थी तो चक्कर आते थे, तो उस दिन मैं एकाश्ते किया। ऐसे मैंने 5-6 किए, क्योंकि जो आलोचना संघ के सामने की जाए तो उसमें दोष नहीं रहता, किया मैंने किया, ये मैंने किसी को दिखावे के लिए नहीं किया। परंतु ये कहती हूँ शुगर वाले भी कर सकते हैं, अपने मन मजबूत होना चाहिए, ऊर्जा अपनी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग बना लो तो तुम्हारे अंदर वो जागृति आ जाएगी कि क्या है जो 86-86 साल के लोच करवा सकते हैं। अभी मैंने एक जगह सुना कि 86 साल की क्या है, एक वृद्ध माता ने तपस्वनी है लोच करवाई है, तो वो क्या है? और बाल भी ये नहीं कि थोड़े से बाल थे, अच्छे बाल थे, केवल मन में ऊर्जा ही जागृत हुई थी ना कि मुझे क्या करनी है, लोच करनी है। अभी ये इंदु अनूप जी की मुक्ता को कहते मेरी लोच कर दो, मैं क्या बैठी रहे आराम से, लोच कहना आसान है करवानी तो क्या है, अगर बीच में उठ गई तो। कहती नहीं मैंने करवानी है, परंतु मैंने नहीं कि पता नहीं मैंने अंतराय बांधी है या मैंने स्थिति देखी है, तो वो तो बहुत पीछे पड़ी हुई है, अभी भी मेरी लोच कर दो। तो ये क्या है, मन की ऊर्जा ही है ना। तो ये पॉल्यूशन आ रहे हैं आज, सारे फ्रिज हरी सब्जियों फ्रूटों से क्या कर देना, खाली कर देना। किसी ने भी 8 दिन हरी सब्जी का क्या नहीं करना, सेवन नहीं करना। कई लोग क्या है पहले ही क्या करके रख लेते हैं कुछ, ये भी संकल्प दोष लगता है। कई है ना पहले भुन बना के चीज़ें रख लेते हैं वो, कि भाई 8 दिनों में नहीं बनानी, पहले जो ख़राब ना हो वो बना, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि ये संकल्प ही दोष है कि पहले ही संकल्प बना लेना कि 8 दिन में वो नहीं करना। चलो जी क्या है ये पका के रख लेते हैं, ये 8 दिन खराब सब्जी नहीं होती, 2 दिन खराब नहीं होती, ऐसा मत करना, ये मिश्र दोष हो जाता है। 8 दिन आपके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, एक रोज़ की ड्रेस बदलो तो भी कमी है कोई, पूरी क्या भरी पड़ी अलमारियाँ, मुझे पता है। जो नहीं पहनने वाले कपड़े उठा के गरीबों को बांट दो, कहाँ संभाल संभाल के रखोगे, किसी का तन ढकने के काम आ जाए। और हो सके तो क्या है कपड़े भी
हो सके नहीं, नहीं धोने 8 दिन, जो कर सकते हैं बड़ा स्नान भी मत करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, 8 दिन मुंह से किसी को गाली नहीं देना। किसी महापुरुष ने कहा गलती करो, जितनी चाहे गलती करो, मन आए गलती करो, परंतु वो गलती दोबारा ना करो। जो एक गलती एक बार कर ली ना, वो दोबारा ना करो। गाली दो किसी को, परंतु वही गाली दोबारा ना दो। कितनी गालियां लाओगे, कितनी की गालियां होती हैं, 10-15-20 गालियां होंगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। परंतु वो गाली दोबारा नहीं देनी, तो अपने आप गालियां ख़त्म हो जाएंगी, कईयों के मुंह पे ही चढ़ी रहती हैं। तो ऐसे अपने मन को संभाल लेना, दर पे आए कुत्ते को रोटी जरूर डाल देना, वो भी तुम्हारी यहाँ आँस लेके आता है, भगाना नहीं। 5 बोलों में आता है जी सुबह, इधर तो कोई आता ही नहीं, नहीं तो सूरज की आज्ञा देने आते हैं साधु साध्वी को कि सूरज की आज्ञा है आपको, जो चीज़ दवाई आदि प्रयोग करनी है उसकी आज्ञा आपको। तो 5 बोल टलवाते हैं, उसमें एक यही भी बोल होता है कि कुत्ते को दर से खाली नहीं लौटाना। तो ये ध्यान रखना, हो सके तो उबला हुआ पानी, जो शरीर के लिए भी साताकारी है और वैसे भी कच्चा पानी ना पिया जाए तो बहुत अच्छा है। एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, तो पानी आप पहले ही सारा ही पानी ऐसा बना कर, धोबन पानी बनाकर, फांसू पानी जिसे कहते हैं, मुंह पे चढ़ गया हमारे धोबन, उधर धोबन बोलते हैं ना, उधर हम जाके फांसू बोलते थे और इधर अब धोबन मन निकलता है, तो वो बना करके पहले ही रख लो ताकि तुम्हारे बच्चे भी वही पानी पिए। घर के अंदर फांसू पानी का विवेक रखना, समय हो गया। इधर हमारे प्रश्नों के उत्तरों में लगभग सबने एक जैसे कुछ कुछ लिखे हैं, परंतु एक बहन का बिल्कुल सही है, वो मैंने अलग ही रखा है वो, बाकी सबने ये है उत्तर है कि 4 घाती कर्मों के क्षय होने से अरिहंत बनते हैं, ये सबका सही है। और वर्तमान में तीर्थंकर कहाँ है महाद्वीप क्षेत्र में, ये भी सही है। और जो कितने हैं आपने एक दृष्टि से देखा, 20 विहरमान हैं, परंतु महाविद्य क्षेत्र में 5 विजय होती हैं, 32 विजय होती हैं, और एक एक विजय में 5-5 तीर्थंकर होते हैं, 32 × 5 = 160, जगन्य 20, मध्यम 160, उत्कृष्टा 170, क्योंकि ऐरावत और भरत में भी कहीं कहीं 5-5 तीर्थंकर कभी होते हैं, तो वो 10 मिला करके 170 उत्कृष्टा होते हैं। वरना वर्त वैसे महाविद्य में 20 है और जगन्य है ये, और मध्यम जो है 160 है, उनके विजया मिला करके, विजया यानी अलग अलग उनके अलग क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी इस समय हैं, परंतु ये वर्त क्षेत्र के नज़दीक महाविद्य क्षेत्र है पुष्कलावती आदि, तो इसलिए वे ये श्री मंदिर स्वामी ये बिल्कुल नज़दीक होने के कारण हम उन्हीं 20 को याद कर लेते हैं। तो ये हमारी बहन है बिमला बहन, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, आज मैं वो वैसे कूपन नहीं निकालूंगी, एक का बिल्कुल सही है तो वो आ जाए। और कल से जो शास्त्र सुनाया जाएगा उसी में से आप ध्यान से सुनना, जो शास्त्र में सुनोगे या मुक्ता जी बोलेंगे उसके बीच में आपसे 2 बहनों के 2 भाइयों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिस दिन छुट्टी में हमारी बच्चे आएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपकी तरफ से कटौती करके उन बच्चों से भी पूछा जाएगा, ताकि बच्चे भी ध्यान से सुनें।